कितना आ रहा, 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इनपुट तो ओके है ऐसा इसी। चलिए ये हमारे पास एक सेट है और इसमें ये डेड है। अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, तो हम पहले मीटर से इसकी शॉर्टिंग चेक करते हैं। मीटर की शॉर्टिंग चेक करने के लिए मीटर को बीप पे करके एक ग्राउंड पे लगा देंगे, और बैटरी कनेक्टर का ये प्लस है, ठीक है, और प्लस हम बैटरी से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लस है। तो प्लस इधर वाला पिन है। तो अब हमने देखा कि इसकी शॉर्टिंग देखते हैं कि क्या सीन है। तो मीटर पे क्या है, कुछ नहीं आ रहा है। अब ये पलट के एक तरफ एक आना चाहिए, एक तरफ रीडिंग आनी चाहिए, तो आ रही है। इससे ये साबित होता है कि इसमें शॉर्टिंग नहीं है, बकौल मीटर के हिसाब से इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मीटर से आप शॉर्टिंग चेक करें। अब मैं इसको डीसी से चेक करता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डीसी को मैं रिकमेंड करता हूँ चेक करने के लिए शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो डीसी का सिंपल है कि माइनस माइनस पे, और प्लस बैटरी इसके बैटरी कनेक्टर के प्लस पे ये लीड आ रही है डीसी की। यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं चलनी चाहिए, अगर चली तो शॉर्टिंग है। देखो सॉरी, ये वाली लाइन आ गई इधर को। तो मैं ये डीसी है, डीसी के तार आ गए दोनों, और ये देखो यहाँ पे 40 आ रही है, यानी कि 39 मिली एम्पियर की शॉर्टिंग है इसमें, 0.039 एम्पियर। और मीटर क्या कह रहा है कि शॉर्टिंग नहीं है। तो एक तो मीटर चकमा देता है, मीटर से शॉर्टिंग चेक नहीं करनी। नंबर दो, अब इसको डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम इसे चार्जिंग पर चेक करेंगे कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो हम इसको जब चेक करते हैं, देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए डीसी से रीडिंग लेना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। एक तो फैक्ट है कि ये शॉर्ट है, दूसरी बात हम इसको डीसी से ये देखते हैं कि चार्जिंग का क्या स्टेटस है। अब इसमें सिंपली मैं चार्जर लगा रहा हूँ, और आपको यहाँ पे रीडिंग देखनी है, यानी कि पहले पोर्ट पर। पहला पोर्ट है तो यहाँ पे रीडिंग बनेगी ऐसे, मैं दिखाता हूँ कैसे। आप इसकी रीडिंग देखना है, थोड़ा नीचे को लाओ, इधर रीडिंग देखना है 5 एम्पियर है। तो मैं यहाँ पे चार्जिंग पर लगा रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे ये 1.1 एम्पियर लेने लगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है ये क्या रेटिंग का स्टेटस है इसका, ठीक है। होल्डर मैंने लगा दिया, चार्जर मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी कंजप्शन नहीं दिखा रहा है। बैटरी भी लगा देता हूँ, तो देखो बैटरी भी मैंने लगा दी, लेकिन कोई भी कंजप्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जब भी ऐसा केस बनेगा तो समझ जाना कि ये शॉर्टिंग या प्रॉब्लम जो है वो चार्जिंग आईसी से। यहाँ पे 0 एम्पियर ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, तो चार्जिंग आईसी से। अब ये कैसे चेक करेंगे ये प्रॉब्लम वाकई चार्जिंग आईसी से है या नहीं, तो हमें चार्जिंग आईसी के इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज चेक करने होंगे। वो कैसे चेक करते हैं, वो चलते हैं, वो देखते हैं। ये चार्जिंग जैक है इस फ़ोन का, और मैं आपको दिखा दूँ कैमरे में। ये जो चार्जिंग जैक है ये वाला, इसकी ये जो पिन है नीचे से दूसरी, यानी कि ये वाली पिन, ये जो है ये चार्जिंग की पिन है। ये पिन जहाँ जाके एंड होता है इस लाइन का, ये चार्जिंग आईसी पे जाती है, तो वो चार्जिंग आईसी है। तो इसको मैं यहाँ से देखता हूँ कहाँ जा रही है, इसमें से ओ बी पी से हो गए। तो ये वीबस है 5 वोल्ट, और ये इस आईसी में आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसके बाद ये वी बस इस आईसी में घुस गया है, उसके बाद ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहाँ घुसने के बाद दिखाई नहीं देता है वो चार्जिंग आईसी होती है। ये लाल रंग यहाँ घुस गया, और देखो दूसरा कोई भी लाल रंग इसका नहीं है आउटपुट के रूप में। तो ये जहाँ इनपुट फिनिश हो जाता है वही चार्जिंग आईसी होती है। अब ये बोर्ड में कौन सी है वो देख लेते हैं। तो बोर्ड में ये जो है चार्जिंग आईसी वो ये है, यानी कि ये है चार्जिंग आईसी, ठीक है। अच्छा, इस पर कहाँ पर वोल्ट आएगा, ये वी बस इस कैपेसिटर पे इन जगह पर आएगा, ठीक है। तो मुझे ये आईसी चेक करनी है, ये आईसी सही है या ख़राब है। तो मैं इस पॉइंट पर वोल्ट चेक करूँगा चार्जर लगा कर, अगर यहाँ वोल्ट मिलता है तो एक इनपुट तो ओके होगा, फिर मैं इसका आउटपुट चेक करूँगा। फिलहाल पहले फर्स्ट स्टेप पर हम इसका इनपुट चेक करते हैं, और इसका इनपुट जो है वो ये बनेगा, यानी कि ये बनेंगे दोनों, सही। दिखा देता हूँ, ये कैपेसिटर पर वोल्ट मिलना चाहिए एज़ पर स्केमेटिक डायग्राम, और से देखें
ये दोनों, ये दो कैप है और एक और कैप है छुटकू, तो ये जो है ये दोनों कैप यहाँ का और ये छुटकू आ गया। ठीक है, तो मैं इस पर वोल्ट लगाता हूँ। तो अब मैं इस पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, क्या है इस पर कितना वोल्ट आ रहा है, यानी कि कहाँ पर, यहाँ पर इन कैपेसिटर पे अभी पता चल जाएगा ये चार्जिंग आईसी ओके है कि नहीं। तो यहाँ पर वोल्ट चेक करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पे वोल्ट मेरा कितना आ रहा, 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इनपुट तो ओके है इस आईसी का, इनपुट अपनी जगह बिल्कुल फिट हो रहा है, यानी कि इनपुट तो एंटर हो रहा है। अभी इसका आउटपुट होते हैं दो, एक होता है VPH और एक होता है वी वाइट बैटरी, तो चार्जिंग के लिए जाता है चार्जर के बैटरी कनेक्टर को। तो मैं इस पर VPH पे चेक करता हूँ कि वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे 3.7 बनना चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी वोल्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, और इनपुट पे वोल्ट पूरा बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी ये चार्जिंग आईसी ख़राब है और यही शॉर्टिंग की वजह भी है। उम्मीद है बात समझ में होगी, यानी कि जब भी चार्जिंग आईसी को चेक करना है तो इसमें चार्जर लगाकर एक तो VPH वोल्ट चेक करना 3.7, और अगला वोल्ट अगर यहाँ मिल गया तो दूसरा वोल्ट है वी वाइट बैटरी कनेक्टर, ये जाएगा बैटरी कनेक्टर पर। देखो ये बैटरी कनेक्टर पर जाएगा जो चार्जिंग करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी ये चार्जिंग आईसी इनपुट तो ले रही है आउटपुट नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये ख़राब है, मुझे इसे चेंज करना होगा। लेकिन चेंज करने से पहले मैं इसको चार्जर हटा देता हूँ, और चार्जर हटाने के बाद में इसे मीटर को मुझे बीप करना पड़ेगा, और ये बीप बोलने लगेगा। ठीक है, और अब मैं यह देखूंगा वोल्ट न बनने के पीछे दो वजह होती है, वोल्ट न बनने के पीछे दो वजह है, या तो ये आईसी वोल्ट नहीं दे रही निकाल का है, दूसरा नंबर यह है कि हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो या आईसी शॉर्ट हो, तो ये भी देखना है कि शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मैं इसकी शॉर्टिंग चेक करता हूँ, मैंने मीटर को बीप कर लिया, अब मैं इस VPH पर शॉर्टिंग चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, यानी कि ये आईसी ही शॉर्ट है। ठीक है, और दूसरी बात इस कैप पे देखता हूँ, यानी कि मेरा एक बात तो क्लियर होगा कि ये इस आईसी पे शॉर्टिंग आ रही है, यानी कि सॉरी इस कॉइल पे शॉर्टिंग आ रही है, तो या तो ये आईसी शॉर्ट है या फिर ये VPH 50 जगह जाता है फोन में, तो वहाँ पर शॉर्टिंग है, ये बड़े काम की बात है। दूसरी बात यहाँ चेक करता हूँ शॉर्टिंग है क्या, ये बैटरी कनेक्टर पे जाने वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट चेक करता हूँ, यानी कि ये दोनों जो कैपेसिटर है ये इन दोनों पर चेक करता हूँ कि शॉर्ट तो नहीं बन रहा है, क्योंकि वोल्ट तो यहाँ बन नहीं रहा, तो इस लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। बात समझ में आ रही है, शॉर्टिंग क्या है, इस कॉइल पर शॉर्टिंग है। ये अगर आवाज़ नहीं आ रही हो 0-0, तो जब मीटर की लीडें आपस में मिलती हैं तो 0-0 देती हैं, 0-1, यानी शॉर्टिंग की निशानी है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये आईसी शॉर्ट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आईसी शॉर्ट ना हो, ये कॉइल आईसी से करंट लेकर आगे भेजती है पूरे बोर्ड को, तो हो सकता है ये कॉइल कहीं और शॉर्ट हो, आईसी शॉर्ट ना हो। तो मैं एक बार इस कॉइल को हटा के इधर और इधर दोनों तरफ शॉर्टिंग चेक करूँगा, अगर ये कॉइल हटा के यहाँ से शॉर्टिंग दोनों इधर आने लगी तो उधर सेक्शन में प्रॉब्लम है, और इधर आने लगी तो आईसी ख़राब है, क्योंकि आईसी निकाल के दे रही है, फिर यहाँ से जा रहा सिस्टम पर पूरे। इसको कंफर्म करते हैं कि ये सत्य है या नहीं। तो ज़रा शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, क्या शॉर्टिंग इधर है, तो देखो इधर तो शॉर्टिंग नहीं है, मगर इस पोल पर शॉर्टिंग है, तो इससे ही डिसाइड हो जाता है कि अगर इधर वाला सेक्शन कहीं और जा रहा तो उससे प्रॉब्लम है, और अगर इस वाले में होती तो आईसी से शॉर्ट होता। अभी हम इसको बिटमैप में चेक करते हैं कि ये वाली जो सिरा है ये किधर जा रहा है, तो फिर शॉर्टिंग इस आईसी से नहीं उधर है। चलो देखते, अब ये देखो मैंने इसका स्कीमेटिक निकाल लिया, और यह है वो कॉइल जो शॉर्ट दे रही है, यानी कि यह है वो, अभी मैं सब जगह दिखा देता हूँ आपको, और बोर्ड में यह है जो मैंने गायब की है, अभी उतारी है ना हमने कॉइल, और आईसी यह है। स्कीमेटिक में इसमें यह है, और बिट मैप में यह है,
ठीक है। हाँ यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है ना मैं, तो जहाँ ये अभी देखो कितनी जगह जा रहा है, तो इसका वाला शॉर्टिंग 85 जगह है, बहुत खतरनाक शॉर्टिंग है भाई साहब। यानी कि इस बोर्ड में इतनी ज्यादा शॉर्टिंग हो सकती है, कोई जगह बाकी नहीं है। अच्छा तो मैं इसको रेस्ट लाइन को बंद कर देता हूँ, तो अब जिधर जिधर भी झमक आ रही है ये इतनी जगह शॉर्टिंग, ये तो बहुत लंबा केस हो गया। एक बात तो साबित हुई कि ये आईसी से भी शॉर्टिंग हो सकती है, और इस आईसी से भी शॉर्टिंग हो सकती है, और इस आईसी से भी शॉर्टिंग हो सकती है, ये तो बहुत लंबा केस है। अच्छा ये देखता हूँ, तो ये भी जुड़ा हुआ ही है इससे। अब इतनी जगह हाथ पांव मारने से बेहतर है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे केस में बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप इस पर पूरे, हम इस पर पूरे फोन पर फॉग लगाएंगे, आईसी भी नहीं उतारेंगे, और फिर यहीं पर शॉर्ट देंगे जहाँ शॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। एक तो हमें एक बात क्लियर हुई कि इससे डायरेक्शन का पता चला, इस डायरेक्शन पर शॉर्टिंग है तो कितनी जगह है, और इधर से अगर बाई चांस इधर आती तो सिर्फ आईसी चेंज कर, चलो तो इधर है तो इधर ही शॉर्ट मारेंगे, तो पहले फॉग लगाएंगे। फिलहाल तो मैं इतनी ही जगह पर शॉर्टिंग, इतनी जगह पर फॉग लगाया है, और मैं अब डीसी को डीसी चालू करूँ। हमें डीसी से यहाँ पर शॉर्ट दे रहा हूँ, 5 वोल्ट 5 एम्पीयर का दे रहा हूँ मैं। इसको डीसी को दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कैमरा नहीं है इतना, और हमें यहाँ देना देखना है कि ये क्या फर्क पड़ता है। देखो क्या चीज़ गर्म पड़ी, सिर्फ इस कैपेसिटर से शॉर्टिंग है, तो अब ये तो तय हो गया कि ये कैपेसिटर खराब है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर इस पर क्या देखूंगा, शॉर्टिंग चेक करूँगा, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं और जरा इसको हो देते हैं। थिनर से धो रहा है तो भैया इसको जरूर सुखा लो, वरना यही शॉर्टिंग बना दे। ठीक है, तो अब मैं इसकी कॉइल वापस लगा देता हूँ जो कॉइल थी। शॉर्टिंग गायब है, चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है चलो चालू हो गया, ठीक है बस शॉर्टिंग की प्रॉब्लम थी, चालू हो गया, वो ऑन ऑफ स्विच दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व।